देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा है? सही जवाब है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम रखा गया है। देखिए अब जो है इसका नया नाम सुषमा स्वराज भवन हो गया है और प्रवासी भारतीय केंद्र देश की संस्कृति से प्रवासी भारतीयों को जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान का नया नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा है? सही जवाब है इसका भी सुषमा स्वराज। यह जो है विदेश सेवा संस्थान देश के अग्रणी प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। यहाँ पर राजदूतों को प्रशिक्षण दिया जाता है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 फरवरी 2020 को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर दो संस्थानों का नामांकन करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर दो संस्थानों के नामांकन की घोषणा की गई है। दरअसल सुषमा स्वराज की जयंती 14 फरवरी को मनाई जाती है और उन्हें सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने इसके एक दिन पहले यह फैसला लिया। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था जबकि निधन जो है 6 अगस्त 2019 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने 7 फरवरी को 1 रुपये के करेंसी नोट का मुद्रण नियम 2020 अधिसूचित किया। इसके अनुसार 1 रुपये के नए नोट में किसका जो है सिग्नेचर होगा? तो 1 रुपये के नए नोट पर जो है वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती का होगा। ठीक है ना, वित्त सचिव जो है इस समय अतनु चक्रवर्ती हैं, इनका सिग्नेचर होगा। देखिए 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करता है और ये नए जो है नए नोट में गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के ऊपर भारत सरकार लिखा होगा। 1 रुपये के नए नोट में वित्त मंत्रालय के सचिव अतनु चक्रवर्ती दो भाषाओं में हस्ताक्षर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसमें जो है 1 रुपये के नोट नए नोट में वित्त मंत्रालय के सचिव जो है दो भाषाओं में हस्ताक्षर करेंगे। नोट में जो है सिक्के के प्रतीक रीति होगी और इसमें र का सिंबल के साथ सत्यमेव जयते और नंबरिंग पैनल में कैपिटल यल लेटर जो है छपा होगा। नए नोट का जो कलर होगा वो देखने में पूरी तरह से पिंक ग्रीन नहीं हो लगेगा। नया नोट आयताकार होगा और इसकी जो साइज होगी 9.7 × 6.3 सेंटीमीटर होगी। इसमें मल्टी टोनल वाटर मार्क होंगे। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने 7 फरवरी को 1 रुपये के करेंसी नोट का मुद्रण नियम 2020 अधिसूचित किया है। इसके अनुसार 1 रुपये के नए नोट में किसका चित्र होगा? तो जो है इसमें सागर सम्राट का जो है चित्र आपको देखने को मिलेगा। सागर सम्राट क्या है? तो देखते हैं कि सागर सम्राट तेल खोजने का प्लेटफॉर्म है और एक ड्रिल शिप है जो तेल और गैस कुओं की खोजने के लिए समुद्र में ड्रिलिंग करता है। यह मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई पर स्थित है। इसका जो प्रबंधन है वो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC करता है। सागर सम्राट की 18,000 फीट की ड्रिलिंग गहराई है। हालांकि यह नई बात नहीं है कि सागर सम्राट का फोटो 1 रुपये के नोट पर होगा। वर्ष 1983 से अब तक जो है 1 रुपये के नोट पर यह छपा है, उसमें सागर सम्राट की फ़ोटो जो है लगी होती है। आगे देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द ईयर जो है चुना है, यानी पुरुष में जो है किसको चुना गया है? तो सही जवाब है इसका मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को जो है चुना गया है। देखिए उनकी कप्तानी में भारत ने बीते साल नवंबर में ओलंपिक क्वालिफायर में रूस को हरा करके टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया और इस अवार्ड की रेस में मनप्रीत ने वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के विक्टर वेगनेज और आर्थर वान डोरेन, ऑस्ट्रेलिया के एरान जलवेस्की और एडी ओकेडेन के अलावा जो है अर्जेंटीना के लुकासा भी जो है इसमें जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? सही जवाब है विवेक सागर प्रसाद को। तो FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब विवेक सागर प्रसाद को मिला है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी वेल हॉकी इंडिया जो इंडिया हॉकी के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद
मुश्ताक अहमद हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2020 को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल को किस योजना के तहत शुरू किया है? तो यह जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। आइए देखते हैं कि इस योजना में क्या 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 होगा। तो इस पहल के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में 2 अध्यापकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर चुना जाएगा और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 12 फरवरी 2020 को इस पहल की जो है शुरुआत किया है। नई जो है दिल्ली में इस पहल के लिए पाठ्यक्रम जारी किया है और इस पहल को ईट राइट अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट और फिट मूवमेंट और पोषण अभियान इत्यादि से जोड़ा है। इस अभियान के लिए 11 थीम चिन्हित की गई हैं। इसमें स्वास्थ्य विकास, भावनात्मक स्वास्थ्य, जिम्मेदाराना नागरिकता, पोषण स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, एचआईवी रोकथाम, हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा, इंटरनेट की सुरक्षा उपयोग शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस में कितनी राशि की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? तो 2500 करोड़ रुपए जो है इसमें डालने की मंजूरी दी है। देखते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कंपनी की वर्तमान वित्तीय सेहत को ध्यान में रखते हुए उनमें पूंजी डालने का निर्णय किया गया है और मार्च 2020 के आखिरी तक इन तीनों बीमा कंपनियों में प्रस्तावित विलय के पहले इनसे पूंजी डालने का फैसला किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही जवाब है अतुल कुमार गुप्ता को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट का जो है नया अध्यक्ष जो है अतुल कुमार गुप्ता होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, NDRF द्वारा द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन का अभ्यास 2020 यानी बिम्स्टेक का आयोजन 11 से 13 फरवरी को किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो है आपका बिम्स्टेक भुवनेश्वर में किया जाएगा, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस अभ्यास में बाढ़, भूकंप और तूफान के दौरान आपदाओं के लिए जो है मौजूदा आपातकालीन प्रक्रिया का प्रशिक्षण किया जाएगा। इस अभ्यास में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल हिस्सा लेंगे और इस अभ्यास में 2 बिम्स्टेक देश थाईलैंड और भूटान जो है हिस्सा नहीं लेंगे। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देशों का समूह है। 7 देश इसमें कौन कौन है? तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। बंगाल की खाड़ी के पास जो है ये सभी देश स्थित हैं।